एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल गुरुकुल बाय ओसवाल। आज इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 9 आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। ऑलरेडी बच्चों आप जानते हो कि मैंने आपको कंप्लीट 9th क्लास का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सभी के बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर जो सीरीज है चैप्टर वाइज वो कंप्लीट करवा दी है। और आज हमारा सेकंड लेसन है हिस्ट्री का। सभी वीडियोस के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। ये सारी जो भी आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही है वो आपके स्पेशली मिड टर्म एग्जाम के लिए है, एंड ऑल्सो ये आपके एनुअल एग्जाम में उस हेल्प तो जरूरी करेगी, ठीक है। और मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको रॉ मटेरियल यानी कि जो पीडीएफ है इन क्वेश्चन आंसर की प्रिंट वर्जन में एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि ऑन 27th फरवरी 1917 सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ काउंसिल, जिसे कहा गया था क्या। तो 1917 तो ये वही टाइम था जब रशियन रेवोल्यूशन चली रही थी। तो देखिए यहाँ पे सोल्जर और स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने इकट्ठा होकर काउंसिल बनाई थी, जिसको पेत्रोग्राद सोवियत के नाम से जाना गया था सिंपली। अब ये जो पेत्रोग्राद था ये सिटी का नाम भी है रशिया की, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द मेजोरिटी ऑफ रशियन पीपल वर्क इन द डैश, तो वो किसमें ज्यादा वर्क करते थे। तो मोर देन 85% जो पीपल थे वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। वो बात अलग है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट भी हुए थे, लेकिन मोर देन 85% कम पॉपुलेशन नहीं होती जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। कई बार इसमें कंफ्यूजन भी होते हैं बोल्शेविक और मेंशेविक। तो देखिए बोल्शेविक की जब बात होती है तो यहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, ट्रिकी क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में व्लादिमीर लेनिन का भी नाम दे देगा, ऑप्शन में व्लादिमीर पुतिन का भी नाम दे देगा। तो पुतिन तो अभी के समय रशिया के हैं, है ना, लेकिन हमें पहले के टाइम वाले के बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन होगा व्लादिमीर लेनिन। तो इन्हीं की पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी, जिसे आगे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना गया था। और यूएसएसआर के रोल में इनका सबसे अच्छा खासा इनका स्टेटस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु रोट द बुक जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द सोशलिस्ट आइडियाज। तो देखिए ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी, ये जो बुक लिखी गई थी, दो जने थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि देखिए सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों टाइप के लोग होते हैं, और वो चाहते हैं कि कैपिटलिस्ट तो एग्जिस्ट ही ना करे। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट अपने पैसों के दम पे जो सोशलिस्ट पीपल्स हैं उनका शोषण करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ज्यादा फायदा कौन होता है? इन लोगों को आता है जो कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब और गरीब। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सोसाइटी में ये क्लास होनी ही नहीं चाहिए, वो स्टेटलेस सोसाइटी की भी बात करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में इस ये सारी चीजें लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स कोई छोटे मोटे फिलोसफर नहीं है, बहुत बड़े फिलोसफर है। एक बात और बताता हूँ, जो व्लादिमीर लेनिन है ना, वो एक तरीके से अपना गुरु मानते हैं। किसे? कार्ल मार्क्स को। आप आने वाले टाइम में जब ग्रेजुएशन भी करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा, इन केस की अगर आप ह्यूमैनिटीज जैसे स्ट्रीम से जाते हो तो। अगला है कि सोशलिज्म एम्ड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी जो कि बेस्ड होगी किसके ऊपर। प्राइवेट ओनरशिप की तो बिल्कुल बात नहीं होती है, इंडिविजुअल की भी नहीं होगी, फ्यूडल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो बोलता है स्टेट ओनरशिप। तो कैपिटलिस्ट में तो प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है सोशलिज्म की तो वहाँ पे स्टेट ओनरशिप की ही बात की जाती है, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो राइट्स होगा वो स्टेट्स का होगा। तो यानी कि सभी लोगों में इक्वल तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन सिक्स आता है हमारा, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ विच रीजन। तो इन्होंने किस चीज को, एक जो रेवोल्यूशन हुआ था तो किसके अगेंस्ट में हुआ था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये बिल्कुल नहीं है। फासिस्ट कभी कभार लगता है बच्चों को, बट ये भी इसमें ऐड नहीं होगा। मिलिट्री, ये भी ऐड नहीं होगा। लेकिन जो स्पेशली था वो था मोनार्क गवर्नमेंट, यानी कि जो राजा वाला था ना, जो राजा की पावर होती है उसको एक तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया था। आपने नाम सुना होगा ज़ार निकोलस के बारे में।
में. सेवेंथ क्वेश्चन आता है कि द इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन रशिया वॉज द ब्लडी संडे मैसेकर. तो इसमें हुआ क्या था, सिंपली 100 से ज्यादा जो वर्कर्स थे उनकी जान चली गई थी, जिसमें उनके ऊपर अटैक किया गया था एक तरीके से किंग के जो पुलिस थी, जो उनके कोजैक्स थे उनके द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे कि यार ये चीजें रूल रहे ना, यानी कि जो वर्कर्स को इतने लंबे लंबे टाइम पे काम करवाया जा रहा है फैक्ट्रीज में और उनको वेजेस के नाम पे नाम मात्र जैसी चीजें दी जा रही है, ऊपर से फूड शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्राइक करी गई थी. तो जब 100 से ज्यादा जो वर्कर्स थे जब उनकी जान चली गई थी, तो इसी इंसिडेंट्स को ब्लडी संडे मैसेकर के नाम से जाना गया था. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द बोल्शेविक अंडर द लेनिन लीडरशिप प्रॉमिस्ड करते किस चीज के बारे में. तो वो बात करते पीस के बारे में, लैंड के बारे में और ब्रेड के बारे में. ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा. नाइन्थ क्वेश्चन आता है द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क साइन जो की गई थी 1918 में. तो जिसका रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था सिंपली कि लूजिंग टेरिटरी टू जर्मनी. एंड लास्ट क्वेश्चन है रेड आर्मी एंड द व्हाइट आर्मी वर टू अपोजिंग साइड्स इन द डैश. तो वो किसके अंदर, वो रशियन सिविल वॉर के अंदर, क्योंकि व्हाइट आर्मी एक तरीके से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करती थी और जो रेड आर्मी थी वो एक तरीके से सोशलिस्ट को सपोर्ट करने का काम करती थी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है. तो ये तो थे बच्चों हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन. नेक्स्ट हम बात करते हैं 2, 3 and 5 मार्क्स वाले, क्योंकि पैटर्न आपका यही रहने वाला है. तो सबसे पहले बात आती है एक्सप्लेन द टर्म कंजर्वेटिव. तो देखिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स के बारे में बात आती है. तो कंजर्वेटिव काफी बहुत पुरानी ये एक थीम है जिसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से इसको जानने को मिलता ही रहता है. तो कंजर्वेटिव जो है वो एक तरीके से चीजों को कंजर्व यानी कि सुरक्षित रखने का काम करते हैं, सिंपल है. तो कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं, जो अपोज होते हैं किसी चेंज के खिलाफ, यानी कि जो चीजें चलता आ रहा ना वही रहे, बस वो चीजें रहे भला डिसअपीयर ना हो जाए, तो इसलिए वो उसे कंजर्व रखने की बात करते हैं. तो जो कंजर्वेटिव है वो अपोज होते हैं किसी चेंजेस के खिलाफ एंड दे वर अपोज टू द रेडिकल एंड लिबरल्स. तो ये रेडिकल और लिबरल्स के भी बिल्कुल अपोज होते हैं. 19th सेंचुरी में क्या होता है कि दे एक्सेप्टेड द सम चेंजेस वॉज इनवाइटेबल, यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पर ये कुछ चेंजेस को लेकर एक तरीके से एग्री हो जाते हैं, बट इनकी कंडीशन होती है वो बिलीव करते हैं दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि अपने अतीत की, अपने पास्ट की रिस्पेक्ट कीजिएगा एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अप आउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. और जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो रैपिड तरीके से ना हो बल्कि स्लो प्रोसेस में होना चाहिए. तो ये इनकी ऐसी थिंकिंग है. अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेड ग्रीन एंड व्हाइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया. तो देखिए सिविक जो सिविल वॉर हुआ था एक तरीके से, तो इसके अंदर यही था. तो ग्रीन, व्हाइट और रेड जो टर्म्स यूज की जाती है, आपको अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में देखा था, व्हाइट्स तो एक तरीके से कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं और रेड जो होते हैं वो एक तरीके से सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं. लेनिन जो थे वो उनकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो प्रोक्लेम करते हैं इस बारे में 21 मार्च 1921 में कि was the temporary retreat from full socialism to partial capitalism for the purpose of the rebuilding Russian economy. तो मतलब complete तरीके से तो socialism की ओर वो एक तरीके से बात करते हैं और वो permitted करते हैं छोटे businesses को to make a personal profit while the state continue to control banks, foreign trades and large industries. Elements of the capitalism such as the individual profit and the private ownership of a land were permitted in order to revitalize the Russian economy. तो सिंपल सी बात है, जहां एक साइड रेड जो कलर है वो एक तरीके से बिलोंग करता है कि जो कंट्रोल होगा वो स्टेट का होना चाहिए और वहीं जो व्हाइट है वो एक तरीके से बात करते हैं कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर ज्यादा होना चाहिए. वो बात अलग है कि रशिया के अंदर रेड वाला जो था वो ज्यादा रहा था बहुत लंबे टाइम तक, इसलिए वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है मोर देन 70 ईयर से ज्यादा उन्होंने वहां पे रूल किया था जब यूएसएसआर बना था. अगला क्वेश्चन आता है कि कोई दो डिफरेंसेस बता दिए कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज के बारे में प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर. तो सिंपल सी बात है, जब आप दो डिफरेंसेस के बारे में देखते हो तो जो कैपिटलिस्ट है वो ये बिलोंग करते हैं कि इंडिविजुअल की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए
ऑन द अदर साइड सोशलिस्ट बोल ऐसा बिलीव करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी से बिलोंग होनी चाहिए, तो इसलिए वो पूरे स्टेट की होनी चाहिए। वहीं कैपिटलिस्ट बिलीव करते हैं कि जो प्रॉफिट है प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी ओनर को ही जाना चाहिए, और वहीं सोशलिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं जो प्रॉफिट है वर्कर किसकी वजह से आए, वर्कर लेबर के लिए, तो इसलिए उन्हीं के अंदर शेयर्ड होना चाहिए। तो सिंपल सी आइडियोलॉजी आज भी चलती आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ 1905 रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए सिंपली रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी एंड इट्स रूरल वर नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो रशिया ऑब्वियसली ऑटोक्रेट था, ऑटोक्रेट का मतलब डिक्टेटरी कह सकते हो, वैसे ही टाइप है जहां पे राजा का पूरा रूल चलता है और वो पार्लियामेंट के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं था। प्राइसेस जो था उस समय एसेंशियल गुड जो डेली लाइफ के होते वो एक तरीके से रैपिडली ग्रो कर रहे थे, और ऊपर से सबसे बड़ी बात थी जो वेजेस था वो भी 20% तक डाउन हो गया था। यानी कि ये तो वही बात होगी कि यार प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं तो प्राइसेस के साथ इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन इनकम डिक्रीज हो रही है, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई वाली बात होगी है ना। अबाउट 10,000 वर्कर्स जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग, ये जगह का नाम है रशिया के अंदर, वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक करी और डिमांड करी थी रिडक्शन इन दी वर्किंग आवर्स कि उनके काम करने में जो घंटे लगते हैं उसे कम किया जाए, इंक्रीज किया जाए उनका वेजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंडीशन है वर्किंग प्लेस की उसको अच्छे तरीके से इंप्रूव करने की बात की जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम भी होती है। और इसी चीज को लेकर फाइनली द ब्लडी संडे इंसिडेंट विंटर पैलेस में होता है जो प्रूफ करता है, जिसकी वजह से रशियन स्टार्ट करते हैं 1905 में रेवोल्यूशन अगेंस्ट द जार, जो निकोलस जार था उसके अगेंस्ट में, क्योंकि जब ब्लडी संडे जैसे इंसिडेंट हुआ था वहां पे मोर देन 100 से ज्यादा जो वर्कर्स थे उनकी डेथ हो गई थी और 300 से ज्यादा तो घायल भी हो गए थे। ठीक है, व्हाट वर द थ्री मेजर डिमांड्स ऑफ द बोल्शेविक। तो बोल्शेविक ऑब्वियसली यहां पे लेनिन जो थे वो लीडर्स थे, उन्हीं की बात हो रही है, तो उनकी क्या डिमांड थी इनकी पार्टी की। तो देखिए 1917 में अप्रैल का मंथ था, बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन वो रिटर्न वापस आए थे रशिया के अंदर एग्जाइल से। एग्जाइल्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी पर्सन को कंट्री से निकाल दिया जाता है कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वो थ्रेट माना जाता है, तो उनको कुछ टाइम तक के लिए निकाला जाता है टेंपरेरी, देन उसे वापस जब वो आए थे तो उन्होंने एक तरीके से क्या किया था कि ही एंड अदर बोल्शेविक लीडर उनकी पार्टी के ही अपोज थे वॉर के, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना 1914 टू 1918 के बीच में चल रहा था, तो इनके जो लीडर्स थे खुद लेनिन वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे वॉर के। सो ही पुट फॉरवर्ड थ्री डिमांड्स कॉल्ड द लेनिन अप्रैल थीसिस, और उन्होंने ऐसे में तीन डिमांड रखी थी जिसको एक तरीके से लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये हाईलाइटेड वर्ड है, आप एग्जाम में भी इसको हाईलाइटेड जरूर करना। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि वो तीन डिमांड इसकी कौन कौन सी थी। नंबर वन, द वॉर टू बी ब्रॉट अप टू एन एंड एंड रशिया शुड विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द वॉर। तो भाई इस वॉर को खत्म किया जाए और रशिया को इस वॉर से विड्रॉ कर लेना चाहिए, वापस अपना नाम लेना चाहिए। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, जो जमीन है वो किसानों को दे देनी चाहिए, और जो फ्यूडल है उसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। फ्यूडल मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, ठीक है, जिनकी बड़ी बड़ी जागीर होती है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। ये इनकी तीन डिमांड थी जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1917 में वो अप्रैल के मंथ में ही आए थे, उसी टाइम इन्होंने ये डिमांड करी थी। और अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में आप नहीं जानते, ऐसे तो आपको पता ही है, तो फर्स्ट वर्ल्ड में एक सेंट्रल पावर थी, ऑन द अदर साइड वहां पे अलाइड पावर थी। तो यहां पे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर ये साइड में थे, है ना, वन साइडेड थे, जबकि यहां पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लास्ट में अमेरिका थे। तो स्टार्टिंग में जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को हरा दिया था, यहाँ तक कि रशिया की कुछ जगह को भी डिफीट कर दिया था, मतलब हरा दिया था, है ना। बट क्या था कि जब अमेरिका ने एंट्री ली तो उन्होंने पूरी तरीके से जर्मनी को उखाड़ फेंका था। तो आप कह सकते हो जो अलाइड वाली ग्रुप था वो जीत गया था और जो सेंट्रल पावर थी वो पूरी तरीके से हार गई थी। सेम सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई थी, जब जो दूसरा एक्सिस पावर वाला था वो हार गया था और अलाइड वाले जीत गए थे। ठीक है, व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का वहां के लोगों पर कैसा इंपैक्ट पड़ा, स्पेशली उनकी सोशल लाइफ के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से ब्रॉट करता है मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज,
कि उनको वहां पे काम करना पड़ा। जो वर्किंग आवर्स थे हमेशा से लंबे रहते थे और जो वेजेस था, जो सैलरी थी, वो काफी कम रहती थी, पुअर लेवल की। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा वहां पे कॉमन हो चुका था क्योंकि सारा काम मशीनें करती जा रही थी, तो इतने नंबर ऑफ वर्कर्स की नीड भी नहीं रहती थी, तो जितने थोड़े बहुत ही रहती थी और जो बाकी थे उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता था। पर्टिकुलरली क्या था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लो डिमांड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जब धंधा नहीं चलता था, प्रोडक्शन नहीं चलता था, तो ऐसे में वर्करों को भी छुट्टी कर दी जाती थी। हाउसिंग एंड द सैनिटाइजेशन वर प्रॉब्लम्स करते थे उस समय टाउन्स में, क्योंकि वो काफी तेजी से ग्रो भी हो रहे थे। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो एक तरीके से सर्च कर रहे थे सॉल्यूशन इस इशू का। तो ये सारे जो थे सोशल चेंजेस या सोशल इंपैक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें देखने को कुछ ऐसे मिले थे। अगला आता है कि भाई ब्लडी संडे क्या था, डिस्क्राइब कर दो उस इंसिडेंट को जिसकी वजह से ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है सिंपली। तो देखिए संडे के टाइम था, 22 जनवरी थी 1905 में, वर्कर थे रशिया के, तो जिनको एक तरीके से लीड किया जा रहा था फादर गैपोन के थ्रू, जो विंटर पैलेस की साइड पहुंचते जार के यहाँ पे, है ना। तो होता क्या है कि दे वर फायर्ड एट इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द पुलिस एंड द कोजेक्स, रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मोर देन 100 वर्कर एंड 300 वर्कर वाउंडेड, जो घायल हो जाते हैं ऐसे में। दिस स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ द इवेंट that become known as a 1905 revolution, और इसी incident को Bloody Sunday के नाम से जाना गया था Russian history के अंदर। उन leader का नाम याद रख लेना, Father Gapon। अगले आते हैं कि इसके बाद क्या-क्या वो consequences निकल के आए। तो जो news थी वो पूरी तरीके से unpredicted थी, जिसकी वजह से पूरे रशिया में वो फैल गई थी और जगह जगह पे हमें स्ट्राइक देखने को मिली थी लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी थी रशिया की वो क्लोज कर दी गई थी, स्टूडेंट बॉडी जो थे वो एक तरीके से वॉकआउट कर दिए गए, और साथ ही साथ जो लॉयर डॉक्टर इंजीनियर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश, उन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड भी करना शुरू कर दी थी, और इसी के बाद 1905 की रेवोल्यूशन भी इसी का एक रिजल्ट था, है ना। सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है, व्हाट वाज द सोशलिस्ट सिस्टम, आइए जानते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देखिए ये हमेशा से अगेंस्ट होते हैं किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के, तो और ऐसा फील करते हैं कि जो सोशल इल्स है ना, जो भी एक तरीके से कमियां हैं समाज के अंदर, उसकी जो मेन जड़ है, जो रूट है, वो कैपिटल लिस्ट ही है। ऐसा वो फील करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, और इसलिए पर्सनल गेन्स प्रॉपर्टी ओनर का जो है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता उनको, तो इसलिए वो चाहते हैं कि यार ये जो चीज है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सोशलिस्ट वांटेड द लैंड ओनर्स शुड पे अटेंशन टू द कलेक्टिव इंटरेस्ट रादर देन यर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो वो चाहते यही है कि जो लैंड ओनर्स हैं वो जो अटेंशन दे वो कलेक्टिव तरीके से दे, सोसाइटी में सभी लोगों का पर दे, बट वो करते क्या है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को। तो इसलिए सोशलिस्ट हमेशा से कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में ही रहते हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स अंडर द ज़ार इन रशिया। तो वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है अलग अलग टर्म्स के अंदर, तो ध्यान रखिएगा वर्कर्स की जो कंडीशन थी वर्स्ट थी, खराब टाइप की थी, ये माइंड में रख लेना। रशिया के अंदर क्या था कि जो नोबिलिटी थे और जो क्राउन थे और साथ ही जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, वो उनका अच्छी खासी ना लैंडेड था, मतलब उनका जो लैंड प्रॉपर्टी थी वो काफी बड़ी थी, लार्ज लेवल की थी। अनलाइक द पीजेंट्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो किसान लोग थे उसमें और इनमें क्या फर्क था कि रशियन पीजेंट जो थे वो डिड नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट टू द नोबल्स, तो नोबल्स की ना इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे जितनी फ्रांस के करते थे। रशिया के अंदर पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल एंड समटाइम दे रिफ्यूज टू पे रेंट। तो भाई रशिया में पीजेंट जो किसान थे वो नोबल का जो लैंड थे, जमीन थे, उसे मांगते थे, वो चाहते थे वो मिले उन्हें, और समटाइम तो वो रेंट किराया भी वापस नहीं देते थे। यहाँ तक कि इवन द पीजेंट्स मर्डर द लैंडलॉर्ड्स, यहाँ तक कि जो किसान थे वो, तो 1902 में पीजेंट एजिटेशन करते अकॉर्ड ऑन द लार्ज स्केल इन साउथ रशिया एंड 1905 इट स्प्रेड ऑल ओवर द रशिया, क्योंकि वहीं का इंसिडेंट, वही ब्लडी संडे वाली बात आ जाती है। पीजेंट जो थे एस्टैब्लिश करते हैं कॉम्यून जो कि डिवाइडेड होते हैं लैंड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू इंडिविजुअल फैमिली, यानी कि बेशक वो अपने लैंड को अलग अलग रखते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो उसे मर्ज कर देते हैं। तो जैसे वर्कर्स भी अलग अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन जब किसी के ऊपर भी अटैक होता था तो ऐसे में वो एक यूनियन बना लेते थे। तो ये कंडीशन थी उन वर्क
वर्कर्स की। तो इसी के बाद ही वो जो रेवोल्यूशन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें कुछ ऐसे ही मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीजेंट एंड द नोबल इन रशिया ड्यूरिंग द अर्ली 19th century। वैसे अभी हमने पढ़ लिया लेकिन इसके अंदर भी देखिए क्या क्या चीजें आती है। तो 20th century के शुरुआत में रशियन पीपल जो थे वो मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी कि ज्यादातर कृषि करते थे। तो बताया गया अबाउट 85% जो थे रशियन पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चरलिस्ट थी, जो कि हायर थी यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन। इंडस्ट्री इन रशिया जो थी वो स्टार्टिंग में क्या थी, वो डेवलप्ड हुई थी कुछ सम पॉकेट्स लाइक सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेंस करती थी अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कर जो हाथों से बनाई जाती थी सारी चीजें। मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी 1819 के टाइम पे, और इसका एक रीजन था कि इट वॉज द एक्सटेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क एंड द इंक्रीज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न एरा की शुरुआत तो हो ही रही थी जिसका इंपैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ ही रहा था। कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया था एंड आयरन एंड स्टील जो था उसका आउटपुट जो था वो भी काफी ठीक मिल रहा था एक तरीके से। मोस्ट इंडस्ट्री जो थी वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट की ही थी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी वेजेस को, स्केल एंड टाइमिंग ऑफ द फैक्ट्री को लेकर। तो ये जो सारी चीजें थी पीजेंट एंड नोबल्स की कंडीशन के तौर पर हमें कुछ ऐसी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रशिया बिफोर 1905। तो 1905 से पहले कंडीशन क्या थी तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो रशिया के अंदर जो वॉर था इनिशियली पॉपुलर था, जो पॉलिसी थी जार की, जार निकोलस टू की, वो सपोर्ट करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ईस्टर्न फ्रंट जो था वो एक तरीके से आप कह सकते हो था डिफरेंट था फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट से, और वेस्टर्न जो आर्मीज थी वो लड़ रही थी ट्रेंचेस के एंड द ईस्ट साइड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905। तो रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी 1905 से पहले। तो रशिया में क्या था, देखिए इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड द पॉलिसीज ऑफ द जार निकोलस सेकेंड वर सपोर्टेड बाय द पीपल। तो रशिया के अंदर क्या था कि जो वॉर था शुरुआती स्टेजेस में है ना वो काफी पॉपुलर था, और जो जार की पॉलिसी थी उसे पूरा सपोर्ट भी मिलता था लोगों की साइड से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि ईस्टर्न फ्रंट जो था वो डिफरेंट था किससे, वेस्टर्न फ्रंट में, यानी कि वेस्ट साइड की अगर बात करें तो जो आर्मी थी वो लड़ रही थी ट्रेंचेस के लिए, बट इन द ईस्ट साइड की अगर बात करें आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल लिविंग अ लार्ज कैजुअलिटीज। रशियन आर्मी जो थी वो काफी गंदे तरीके से लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया 1914 and 1916 and they were over 7 million casualty by 1970। ये जो बहुत ही खराब कंडीशन थी उस समय। As the German army moved forward, the Russian army destroyed crops and building to prevent the enemy to enter easily, ताकि भाई आराम से सारी चीजें हो सके। The situation एक तरीके से जो थी वो discredit करती थी Russian government और czar को, क्योंकि सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर ही आई थी। The Russian soldier did not wish to first such a war, तो that is the रीजन की जो सोल्जर थे वो भी बिल्कुल भी ऐसे इच्छा नहीं रख पा रहे थे। तो ये कंडीशन थी उस समय, क्योंकि भैया उनके पास ना ही इतना सब कुछ था कि यार वो उस साइड में जाए, वॉर की साइड में जाए, क्योंकि उसके लिए भी बैकअप आपका होना चाहिए और इनका बैकअप पूरी तरीके से फेल हो गया था। मेंशन द वैल्यू विच आर एसोसिएटेड विद स्टालिन्स कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम, और इसके कोई तीन वैल्यूज के बारे में एटलीस्ट बताइएगा। तो देखिए स्टालिन का एक कॉन्सेप्ट आया था कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कि सबको एक साथ लेके चलना है। 1927 to 1928 के टाइम पे द टाउन इन द सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। स्टालिन इंट्रोड्यूस करते हैं कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम को फ्रॉम 1929। द कम्युनिस्ट पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कलेक्टिव इन कलेक्टिव फार्म्स, जिन्हें कोलकोस कहा गया था। तो यानी कि कोलकोस का मतलब यह था कि जो कुछ स्पेशल्स जो पीजेंट्स थे उनके अपने अच्छे खासे लैंड्स हुआ करते थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये सभी लैंड्स सभी लोग के एक साथ हो जाने चाहिए। स्टालिन इसलिए ये पॉलिसी लाए थे। द बल्क ऑफ द लैंड एंड इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म। तो ये सारी जो थी बल्क में इनकी जो ओनरशिप थी वो कलेक्टिव फार्म में दी गई। इट वॉज पॉसिबल बाय एलिमिनेटिंग द क्लास ऑफ कोलकोस Which well-to-do और rich farmers of Russia, ये काफी अच्छे खासे होते थे, well-to-do होते थे, काफी rich farmer मारे माने जाते थे रशिया के अंदर। The value which are associated with Stalin collectivization program are as follow, जो कि थी number one, promotion of the state control large farm to increase production and solve the problem of grain scarcity।
यानी कि स्टेट का प्रमोशन कर दो ताकि वो कंट्रोल कर सके इन लार्ज फार्म्स के ऊपर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो और साथ ही साथ ये जो ग्रेन स्कैसिटी जैसी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। सेकेंड था ट्रांसफर करना ओनरशिप ऑफ द लैंड टू कवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश अ कलेक्टिव फार्म, द स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, वही बात जो अभी हमने पहले में पढ़ी थी। और साथ ही एलिमिनेट कर दो सोशल क्लासेस को, जिसे कुलॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी वेल टू डू थे, काफ़ी अच्छे खासे मतलब रिच फार्मर्स थे। तो ये इनकी पॉलिसी थी स्टालिन की, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सेपरेट तरीके से ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यही थे बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस लेसन के MCQs प्लस 2, 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं लिए, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो हिट करेंगे आपके एग्जाम में। हाउ सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो PDF के क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपके लिए वहाँ पर अपलोड करा दूंगा। बाकी वीडियोज़ के जितने भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।